हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम अपनी फ्लावर वेबसाइट को डिजाइन कर रहे थे जिसके अंदर जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है उसको हमने डिजाइन कर लिया है, होम सेक्शन को डिजाइन कर लिया है, अबाउट वाले सेक्शन को डिजाइन कर लिया और इसके आगे हमने आइकन्स को भी ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इतनी वेबसाइट हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके आगे जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन है, रिव्यू सेक्शन है, कॉन्टेक्ट सेक्शन है, इन सभी को भी हमें ऐड करना होगा। तो आज हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जो हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर चीजों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और जो भी चीजें होंगी वो पूरी तरीके से क्या होने वाली है, रिस्पॉन्सिव होने वाली है, यानी कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जब कंप्लीट होगी उस कंडीशन पे ये पूरी तरीके से क्या होगी, रिस्पॉन्सिव होगी। आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन करके आप इसको एक अच्छे लेआउट में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर अगर हम आते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसकी विड्थ को अगर हम यहाँ से डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो भी हमारे कार्ड है यानी प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अगर इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करने वाले हैं और चेक करते हैं कि इस सेक्शन को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक सेक्शन टैग लिया गया है, उसके अंदर एक आईडी दी गई है प्रोडक्ट नेम की और एक क्लास दी गई है प्रोडक्ट्स नेम की। प्रोडक्ट्स नेम की यहाँ पर क्लास दी गई है और उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक H1 हेडिंग है जिसके लिए कुछ मार्जिन पैडिंग इम्प्लीमेंट की गई है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इसको एक स्पैन के अंदर रखा गया है कार्ड के अंदर, और इसको एक क्लास दिया गया है जो कि डिस्काउंट नेम की है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एक इमेज ऐड की गई है, और ये हमारा पूरा कार्ड है जिसको हमने एक ड्यू के अंदर लिया हुआ है और इसको क्लास दिया गया है कार्ड इमेज नेम की। और इसके बाद नीचे साइड आते हैं तो एक S3 हेडिंग है, और यहाँ पर एक ड्यू अलग से क्रिएट किया गया है जिसको टॉप से कुछ यहाँ पर पैडिंग दी गई है, और इसका जो यहाँ पर क्लास दिया गया है वो प्राइस नेम की है जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्राइस को ऐड किया हुआ है। तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पर क्या की गई हैं, इम्प्लीमेंट की गई हैं। और इसके ऊपर जब हम हवर करते हैं तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हवर इफेक्ट को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है इसको भी हम साथ के साथ सीखने वाले हैं। जैसे इस पे हवर कर रहे हैं और हवर करने पर जैसे हवर करना यहाँ से हटा देंगे उस कंडीशन पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट सेक्शन को यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। HTML के अंदर आते हैं और यहाँ से हमने कुछ इमेजेस को ऐड कर रखा है, इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से टोटल 9 इमेज को हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो आप इस प्रकार से सबसे पहले इमेज को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं जहां से हमारा आइकन सेक्शन जो था वो एंड हुआ था उसके जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन है तो यहाँ से हम इसको क्लास देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक यहाँ पर कमेंट दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या कमेंट होने वाली है, प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट, और सेम तरीके से हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम देने वाले हैं प्रोडक्ट सेक्शन एंड। अब इसके बाद यहाँ पर CSS के अंदर भी आते हैं और जहां से आइकन सेक्शन हमारा एंड हुआ है उसके जस्ट बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम कमेंट देंगे, प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट, और सेम तरीके से इसको हम एंड भी कर देंगे। यहां से कॉपी किया और इसके जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया, एंड। इस प्रकार से अब सबसे पहले हमें क्या करना है, HTML के अंदर आते हैं और यहां से प्रोडक्ट सेक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हमें एक सेक्शन टैग को लेना होगा। सेक्शन टैग को हमने यहां से ले लिया और इसके लिए सबसे पहले हमें इसको एक क्लास देनी होगी। क्लास हमने क्या दे दिया, प्रोडक्ट्स नेम की हमने यहां पर क्लास दे दी, और इसको हम एक आईडी दे देंगे, आईडी हमने क्या दे दिया, प्रोडक्ट नेम की यहाँ पर आईडी दे दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, अभी कोई चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी H1 हेडिंग है इसको हमें ऐड करना है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स नेम की, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। और इस हेडिंग को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आने वाले हैं और इस सेक्शन के अंदर एक H1 हेडिंग लेते हैं, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद जो हमारी H1 हेडिंग है इसको हम एक क्लास देते हैं। क्लास हमने क्या दे दिया, हेडिंग नेम का यहाँ पर इसको क्लास दे दिया, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो हमारी क्लास है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, यानी कि जो हमारी H1 हेडिंग थी वो क्या हो गई है, यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके अंदर स्पैन के अंदर हमें प्रोडक्ट्स को रखना होगा क्योंकि जो इसका कलर है वो कैसा है, यहाँ पर चेंज है, तो इसको स्पैन के अंदर रखा गया है। तो यहाँ से आते हैं और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे,
और इसे हम क्या कर लेंगे, स्पैन टैग के अंदर डाल देंगे। यहाँ से स्पैन टैग को लिया और इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया और इसे हमने सेव कर दिया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि टॉप में भी अबाउट अस के लिए भी हमने एक H1 हेडिंग को डिजाइन किया है, उसके लिए सेम प्रॉपर्टी जो स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट की गई थी सेम स्टाइलिंग इसके लिए भी आ जाएगी, क्योंकि हमने जो क्लास नेम यूज किया हुआ है वो सेम क्लास नेम यूज किया हुआ है हेडिंग नेम का। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको डिजाइन करना है। तो यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं प्रोडक्ट्स नेम का, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एक कमेंट दे दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर बनाएंगे, क्योंकि जब भी हमें मल्टीपल कार्ड को डिजाइन करना होता है और उसको एक लाइन में किस प्रकार से लाएंगे, किस प्रकार से चीजें रैप होंगी, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जो हमारा कंटेनर होता है उसको हम फ्लैक्स बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, जो हमारा कंटेनर होने वाला है उसको हम यहाँ पर नेम देने वाले हैं कार्ड कंटेनर नेम का। कार्ड कंटेनर नेम की हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली और इसके अंदर जितने भी हमारे कार्ड हैं, कार्ड कहने का क्या मतलब है, जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे हमारे क्या है, कार्ड है। इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, इसी कंटेनर के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो कार्ड वन को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम दे देते हैं कार्ड वन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये हमारा कार्ड वन होने वाला है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कार्ड वन है इसको, इसके लिए हम एक कार्ड नेम का ड्यू बना लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक स्पैन लेंगे। स्पैन के अंदर हमने एक इसको क्या दिया हुआ था, यहाँ से अगर आप देखते हैं एक डिस्काउंट क्लास दिया हुआ था, ये स्पैन के अंदर रखा गया है, तो इसको हम स्पैन के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ से एक स्पैन टैग को लेते हैं और इस स्पैन टैग के अंदर इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट नेम की, यहां से हमने क्लास दे दिया डिस्काउंट नेम की, हमने इसको क्लास दे दिया। और इसके अंदर कितने परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए, माइनस का 20% सबसे पहले मैंने डिस्काउंट कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्काउंट था यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो करके आ रहा है। इसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं किस प्रकार से इसको एक स्पैन के अंदर रखा गया है। इसके लिए जो भी यहाँ पर CSS इम्प्लीमेंट की गई है उसको हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट बाद हमारे पास इमेज है। अब इस इमेज को लेना है हमें, तो यहाँ पर आते हैं और इस पैन के जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ड्यू को हम बनाने वाले हैं इसी के अंदर। तो यहाँ से हम इसको क्लास देने वाले हैं कार्ड इमेज नेम की, हमने यहाँ से क्लास दे दिया IMC कार्ड इमेज। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी इमेज टैग को लेंगे और इस इमेज टैग के अंदर SRC सोर्स के अंदर हम क्या देने वाले हैं, जो हमारी इमेज फर्स्ट है उसको हमने पास किया। और यहाँ से आएंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट वाली इमेज है वो क्या हो गई है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज भी हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो आइकन्स है, आइकन्स कहने का क्या मतलब है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, एक आइकन्स है। यहाँ पर जो डॉलर का आपको सिंबल दिख रहा है ये आइकन्स के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से हमने इसको क्लास दिया हुआ है ड्यू के अंदर, ये कंटेंट क्लास है। इसके अंदर यहाँ पर जब हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे जो भी चीजें आपको दिखती हैं तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आइकन्स नेम की एक क्लास को बनाने वाले हैं इसके बाद, जिसके अंदर एक हर्ट का यहाँ पर आइकन है, उसके बाद ये कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पर एक शेयर बटन का क्या है, यहाँ पर आइकन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और इमेज के जस्ट बाद ये इमेज का जो यहाँ पर ड्यू है इसके अंदर ही हमें क्या करना होगा, एक और ड्यू बनाते हैं। यहाँ से एक और ड्यू हमने बना लिया आइकन्स नेम का, यहाँ से आइकन्स नेम का, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने आइकन्स को ऐड करेंगे एंकर टैग के अंदर, क्योंकि वो क्लिकेबल होने चाहिए। तो यहाँ से HREF के अंदर हम पास कर देंगे हैश। और इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को हम एक क्लास देने वाले हैं। क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे सिम्बल्स हैं यानी जो भी हमारे आइकन्स हैं, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर हम जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हाइट का हमें सिंबल चाहिए, तो इस कंडीशन पे इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। यहाँ से सिर्फ हमें इसकी क्लास चाहिए, यहाँ पर इसका टैग नहीं चाहिए, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो भी हमारा टैग है उसको हम यहाँ से हटा देंगे इस प्रकार से, जो भी हमारा आई टैग है, और यहाँ से सिर्फ हमने उसकी क्लास को क्या कर लिया है, यूज कर लिया है, इसको हमने सेव किया। सेम तरीके से और भी आइकन्स को हमें ऐड करना होगा, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल बी
टोटल 3 चाहिए। सेकंड वाले के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से एक बटन लेना है, कार्ड बटन, जिसके अंदर ऐड टू कार्ड हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं इसके लिए कार्ड बटन। तो यहाँ पर इसको हम क्लास दे सकते हैं कार्ड btn नेम की। और इसके लिए हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, कुछ टेक्स्ट लिख दिया ताकि वो बटन के रूप में डिस्प्ले हो, ऐड टू कार्ड। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऐड टू कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर हम देने वाले हैं कार्ड बटन, या फिर कार्ड बटन आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर शेयर बटन का सिंबल होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आप आकर के देख भी सकते हैं। तो ये हाइड का सिंबल हो गया, उसके बाद ये बटन है हमारी, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक कर पा रहे हैं, और ये शेयर बटन है, इसके ऊपर भी हम क्लिक कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या चाहिए, शेयर का सिंबल चाहिए। तो इस वाले सिंबल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और सिर्फ हमें इसकी क्लास चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या कर देंगे, पूरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। जो हमारा आई टैग है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे इस कंडीशन पे, और यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब जैसे ही पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड का भी सिंबल आ रहा है, ऐड टू कार्ट ये बटन भी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक भी हम कर पा रहे हैं, शेयर बटन का भी यहाँ पर सिंबल आ रहा है। अभी इन सभी चीजों के लिए स्टाइलिंग हम बाद में करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीजें चाहिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक S3 हेडिंग है, यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, और इस डिव के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंटेंट नेम के डिव के अंदर रखा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले कंटेंट नेम का हम ड्यू बना लेते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा आइकन्स है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर एंड हो चुका है। और इसके बाद जो हमारी इमेज थी, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इमेज वाला ये वाला ड्यू भी क्या हो चुका है, यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं कुछ और टेक्स्ट, जिसके लिए हम यहाँ से बना लेते हैं एक क्लास ले लेते हैं कंटेंट नेम की। तो यहाँ से मैंने एक क्लास ले ली कंटेंट नेम की, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखते हैं कंटेंट नेम की ये पूरी की पूरी क्लास होने वाली है। इसके अंदर हमारे पास एक S3 हेडिंग है, तो यहाँ पर आते हैं और इसके लिए हमने S3 हेडिंग को ले लिया, और इस S3 हेडिंग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, फ्लावर सिंपल सा लिख देंगे। और यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर फ्लावर लिखा गया है। उसके बाद ये प्राइस है कुछ, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और ड्यू बनाएंगे। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये सेपरेट है इससे, तो एक और ड्यू इसके अंदर क्रिएट किया गया है, जिसका यहाँ पर क्लास दी गई है प्राइस नेम की। तो इसको भी हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से प्राइस नेम का एक और ड्यू बनाया, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ड्यू है इस ड्यू के अंदर ही हम चीजों को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको सेम लाइन के अंदर ले आ लेते हैं, और यहाँ से मैंने डॉलर का सिंबल लिया। डॉलर का सिंबल आप अपने कीबोर्ड पर देख सकते हैं, जहां पर 4 लिखा हुआ है वहीं पर हमारा डॉलर का सिंबल है, और 10 यहाँ पर 24 समथिंग मैंने यहाँ पर डॉलर दे दिया, और यहाँ से स्पेस को हटा देंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक स्पैन टैग को लेने वाले हैं, और इस स्पैन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉलर, और डॉलर ये पहले क्या था 20.89, इस प्रकार से 89 था, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इसको हमने स्पैन के अंदर किस लिए रखा है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो स्टाइलिंग है वो क्या की गई है, चेंज की गई है, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, यानी सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया है, यहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। इस प्रकार से जो हमारा HTML था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो CSS है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी ड्यू को क्या कर लेते हैं, जितने भी हमारे कार्ड हैं सभी को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कंटेनर वाला ड्यू है उसको छोड़ करके जहां से हमारा कार्ड 1 स्टार्ट हो रहा है, इसको हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा यहाँ से, और यहाँ पर आते हैं इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम दे देंगे ये कार्ड 2 होने वाला है। जो डिस्काउंट है यहाँ पर हम कर देते हैं 10% का, और इसके बाद और भी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारी इमेज है, इमेज 1 की जगह हम कर देते हैं इमेज 2 इस प्रकार से, और इसको हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला जो कार्ड था वो भी ऐड हो चुका है। अब इसी प्रकार से सभी कार्ड को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले एक एक करके। तो यहाँ से पेस्ट कर दिया इसको भी, ये 3rd होगा हमारे पास, तो यहाँ से मैंने इसको 3 बना दिया। इमेज को भी चेंज करेंगे तो यहाँ से इमेज जो है हमारी इसको 3rd कर दिया, और डिस्काउंट जो है इसको मैंने कितना कर दिया, यहाँ से डिस्काउंट को हम यहाँ पर करने वाले हैं 15% के इक्वल, इसको भी मैंने सेव किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो 3rd वाला भी यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ से 3rd भी ऐड हो चुका है। अब 4th को हम ऐड करने वाले हैं,
यहाँ पर कंट्रोल वी, और ये होने वाला है फोर्थ नंबर। यहाँ पर जो डिस्काउंट है इसको हम चेंज करने वाले हैं, डिस्काउंट हम कर देते हैं 12% का, और इसके लिए यहाँ से जो इमेज है, इमेज नंबर ये कौन सी होने वाली है, 4 होने वाली है। इसी प्रकार से 5 को भी हम ले लेते हैं, यहाँ से इंटर करेंगे और इसको भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं 5। 5 के बाद इसका भी जो डिस्काउंट है उसको हम यहाँ पर कम करके 9% कर देते हैं माइनस का, और इसके बाद हम यहाँ से इसकी इमेज को भी चेंज कर देंगे, इमेज नंबर हमारी कौन सी है, 5 है। सेम इसी प्रकार से हमें टोटल 8 कार्ड को यहाँ पर डिज़ाइन करना है, तो इसको हम कर देते हैं 6 यहाँ से एक एक करके, और इसके लिए डिस्काउंट जो हम रखने वाले हैं वो यहाँ पर हम रख लेते हैं अराउंड 17% के इक्वल माइनस का, और यहाँ से जो हमारी इमेज नंबर होने वाली है वो 6 वाली होने वाली है। सेव करेंगे, अगर इतनी चीज़ें हम चेक करते हैं तो सारे के सारे जो हमारे कार्ड हैं वो एक एक करके क्या हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर टोटल 2 कार्ड्स को और ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ से पेस्ट करेंगे 6 के बाद यहाँ पर 7 वाले कार्ड को ऐड करेंगे, इसके अंदर जो हम डिस्काउंट देने वाले हैं माइनस का 8%, और यहाँ पर आते हैं इमेज को भी हमें चेंज करना होगा, इमेज नंबर 7 होने वाली है, इसको भी मैंने यहाँ से पेस्ट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर कार्ड को ऐड करने वाले हैं, तो इसको मैंने 8 कर दिया। इसके लिए जो डिस्काउंट करने वाले हैं वो यहाँ पर कर देते हैं हम 6% के इक्वल माइनस का, और जो इमेज नंबर होने वाली है हमारी वो 8 नंबर इमेज होने वाली है। सेव करेंगे, इतनी चीज़ें हमने सेव की, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो जो हमारा HTML है अगर इसको काउंट करते हैं आप, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, टोटल 8 कार्ड्स हमारे पास क्या हो गए हैं, ऐड हो चुके हैं। अब इन सभी को हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सेम लाइन के अंदर लेकर के आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ग्रिड का लेआउट हम डिजाइन करते हैं उसी सेम तरीके से ग्रिड के लेआउट में ही सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे जैसे इसकी हाइट विड्थ यहाँ पर चेंज होगी, यानी कि जैसे जैसे स्क्रीन की साइज यहाँ पर चेंज होगी, उसी हिसाब से एक अच्छे लेआउट में क्या हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें डिजाइन होकर के आ जाएंगे जो भी हमारे कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को एक सेम लाइन के अंदर लेकर के आने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप में आते हैं, ये जो हमारा सेक्शन है प्रोडक्ट का वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। कार्ड वन को हम देखते हैं, कार्ड वन के अंदर क्या चीजें हैं, जो हमारा कार्ड कंटेनर है, इससे पहले अगर हम आते हैं तो जो हमारा सेक्शन है उसको हमने एक प्रोडक्ट्स नेम की क्लास दी हुई है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रोडक्ट्स नेम की यहाँ पर क्लास दी हुई है और इसके अंदर जो हमारा कार्ड कंटेनर है, तो सबसे पहले इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, क्योंकि जो हमारी H1 है इसके लिए कुछ भी स्टाइलिंग ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैंने जो क्लास यूज की हुई है वो क्या है, उसके लिए स्टाइलिंग सेट है। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स, इसके अंदर कार्ड कंटेनर, तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लास है, कार्ड कंटेनर। तो जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर सारे के सारे कार्ड हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। सेम लाइन के अंदर लाने के लिए डिस्प्ले मैंने क्या सेट कर दिया, फ्लैक्स सेट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे के सारे कार्ड हैं वो एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। इसकी विड्थ को और ज्यादा अगर मैंने यहाँ से, यानी कि इसका जो जूम था उसको मैंने कम किया, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कार्ड एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन हम इसको 100% पे रखने वाले हैं यहाँ से, और इसी हिसाब से स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल कार्ड की हाइट एंड विड्थ है वो उनकी वही रहनी चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी विड्थ कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। तो फ्लैक्स रैप को मैंने क्या सेट कर दिया, रैप सेट कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल लाइन के अंदर जितने कार्ड आ सकते हैं उतने आए, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं, तो गैप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। गैप मैंने कितना दे दिया, 1.5 फ्रेम के इक्वल, यानी 15 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हर एक इंडिविजुअल कार्ड के बीच में क्या हो जाएगी, गैप आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एक प्रकार से ग्रिड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एक गैप यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो हमारे कार्ड हैं, यानी कि इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद जो हमारी क्लास है वो कौन सी है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो हमने कार्ड क्लास दिया हुआ है,
ये पूरा का पूरा जो हमारा डिव है ये इमेज है, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कार्ड है यहाँ पर। तो इसके लिए स्टाइलिंग हमें देना है, तो कार्ड के अंदर हमने सभी चीजों को रखा हुआ है। तो ये जो कार्ड है, कार्ड के अंदर हमारा सारा का सारा क्या है, कंटेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, कार्ड कंटेनर के अंदर जो कार्ड है उसके लिए यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को लिया और इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड कंटेनर है और इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड होने वाला है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी गलत ना हो। इसको मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। कार्ड है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए हम सेट कर देते हैं जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है। इसको हमने वन सेट किया, वन बाई वन कर दिया और इसको मैंने साइज क्या कर दिया, 30 रेम के इक्वल कर दिया, यानी 300 यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 300 पिक्सल्स के इक्वल इसको सेट कर दिया है, जो भी यहाँ पर कार्ड है इनकी विड्थ को। तो आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल कार्ड की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो गई है, सेट हो गई है। इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जो भी हमारा कार्ड होगा उसकी जो विड्थ है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ से 0 यहाँ से दिया और 0.5 रेम के इक्वल, यानी कि 5 पिक्सल से इक्वल। उसके बाद ब्लर कितना होना चाहिए, यानी कितना फैलना चाहिए, 1 रेम के इक्वल। और RGBA कलर मैंने दे दिया और इसको हम ब्लैक सा शैडो देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका कार्ड वाला सेक्शन है ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है, कार्ड वाला सेक्शन है। कार्ड की तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड हमारे कार्ड क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बॉक्स शैडो को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसके लिए हमें एक बॉर्डर ऐड करने वाले हैं। बॉर्डर रेडियस सबसे पहले दे देते हैं 0.8 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ पर रेम में सेट करेंगे, यानी कि 8 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या कर दिया, बॉर्डर रेडियस को ऐड कर दिया। और इसको हम करने वाले हैं रिफ्रेश, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस है वो भी क्या हो चुके हैं, जो भी कॉर्नर थे वो क्या हो गए हैं, राउंडेड हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस के बाद इसको हम एक बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। बॉर्डर हम देने वाले हैं 0.1 रेम के इक्वल, यानी 1 पिक्सल्स के इक्वल, सॉलिड होना चाहिए। और इसका कलर सेम RGBA हम देने वाले हैं ये वाला, और इसको मैंने सेव किया, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब ये कार्ड का हर एक इंडिविजुअल कार्ड का जो एरिया है वो आपको पता चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। पोजीशन हम देने वाले हैं रिलेटिव, यानी जो भी इसका पेरेंट होगा उसी के रिलेशन में यह सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेट होंगी, जो भी चीजें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, आगे चल करके इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिस्काउंट वाली क्लास है यहाँ पर आते हैं, सबसे टॉप में हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के लिए अब हम प्रॉपर्टी को ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पर आते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी प्रोडक्ट क्लास है उसके अंदर जो हमारा कार्ड कंटेनर है उसके अंदर जो हमारा कार्ड है और इस कार्ड के अंदर सबसे पहले जो हमारा डिस्काउंट है उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम एक पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन मैंने क्या दे दिया, जो हमारी पोजीशन होने वाली है वो एब्सोल्यूट होने वाली है, एब्सोल्यूट। और इसको हम टॉप से देने वाले हैं 1 रेम के इक्वल ये सेट हो जाएगा। बॉटम की साइड को यहाँ से आते हैं, अभी के लिए ये टॉप में बिल्कुल है लेकिन इसको मैंने 1 रेम यानी कि 1 पिक्सल्स यानी कि 10 पिक्सल्स के इक्वल मैंने टॉप से बॉटम साइड को शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये क्या हो चुका है, इस इमेज के ऊपर क्या हो गया है, जो डिस्काउंट था वो ऐड होकर के आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम लेफ्ट से भी इसको थोड़ा राइट साइड को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो लेफ्ट से मैंने 1 रेम सेट कर दिया। तो जो भी इसका पेरेंट होगा, एब्सोल्यूट दिया हुआ है तो इस कंडीशन पे पेरेंट के रिलेशन में सेट होगा, जो भी पेरेंट होगा उससे क्या हो जाएगा, ये 1 रेम यानी 10 पिक्सल्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, इसके लिए हम पैडिंग देने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ से इसको हमने पैडिंग दी हुई है, पैडिंग अगर आप देखते हैं तो 7 पिक्सल्स के इक्वल टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट साइड से 10 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दी गई है। तो यहाँ पर पैडिंग देने वाले हैं हम, यहाँ पर जो पैडिंग मिलेगी 0.7 रेम के इक्वल हम दे देते हैं लेफ्ट टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 1 1 रेम के इक्वल। तो यहाँ से सेम पैडिंग क्या हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सेम पैडिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम एक कलर देने वाले हैं, कलर मैंने यहाँ से सेट कर दिया,
पिंक सा कलर ये हमें देना है, तो यहाँ से मैंने कलर को भी ऐड कर दिया और इसके बाद पेज को हमने कर दिया रिफ्रेश। तो यहाँ पर सेम कलर पिंक सा यहाँ पर क्या हो गया है, ऐड हो चुका है जैसे इसका कलर है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, कलर ऐड हो गया है, अब इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने RGBA में सेट किया हुआ है, तो ये वाला कलर हम लेने वाले हैं। और इस कलर को हम क्या कर सकते हैं, अगर सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो सेम कलर यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो करके आ चुका है। अगर इसका कलर हम चेंज भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 153 के इक्वल, तो ये और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट सा कलर हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे ये जो कलर है यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो करके आ चुका है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि इसकी जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आगे की साइड ही रहना चाहिए। इसके ऊपर इमेज आ रही है, उसके बाद ये भी आ रहा है, तो ये हमेशा ऊपर की साइड होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे जो इसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसको मैंने सेट कर दिया एक पॉजिटिव वैल्यू 1 के इक्वल। और इसके बाद जो इसकी बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम सेट करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस हम सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने इसको कितना सेट कर दिया, 0.5 रेम के इक्वल, यानी 5 पिक्सल्स के इक्वल। और इसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से इसके जो कॉर्नर थे वो क्या हो चुके हैं, राउंडेड हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा डिस्काउंट था इसके लिए हमने सेम तरीके से इसको डिजाइन कर दिया है। अब हमारे पास क्या आती है, जो हमारी कार्ड इमेज है, यानी कि कार्ड इमेज के अंदर हमने अपनी इमेज को रखा हुआ है, तो उसके लिए अब हमें प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड कंटेनर है, और इसके अंदर जो हमारे पास कार्ड है, और इस कार्ड के अंदर अगर आप आते हैं तो कार्ड के अंदर यहाँ से इस कार्ड के जस्ट अंदर क्या है, कार्ड इमेज है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आते हैं, कार्ड इमेज को मैंने यहाँ से पेस्ट किया। और इस कार्ड इमेज को सबसे पहले हम एक पोजीशन देने वाले हैं, पोजीशन मैंने क्या सेट कर दिया, रिलेटिव सेट कर दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हम कर देते हैं सेंटर, और इसे मैंने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो चुका है, सेंटर हो चुका है, यानी जो हमारी इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं, इसके लिए जो पैडिंग है, पैडिंग हम ऐड करने वाले हैं टॉप से थोड़ा बॉटम साइड को, टॉप से बॉटम साइड को 2 रैम के इक्वल मैंने यहाँ पर जो पैडिंग है उसको मैंने ऐड कर दिया, यानी 20-20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर जो पैडिंग है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है टॉप साइड से बॉटम साइड को। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या करने वाले हैं, हिडन करने वाले हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया, और इसको मैंने सेव किया, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से हिडन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जूम चेक करते हैं, 100% ही है। अब नेक्स्ट काम इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसके अंदर इमेज है इसकी हाइट एंड विड्थ को हम सेट कर लेते हैं पार्टिकुलर इमेज की। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा, सेम चीज को हम यहाँ से इतने पार्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर लेने वाले हैं जो हमारा इमेज टैग है, इमेज टैग को हमने लिया। और इमेज के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी हाइट है उसको हमें सेट करना होगा, मैंने 25 रिम के इक्वल सेट कर दिया, यानी कि 250 पिक्सल्स के इक्वल इसकी हाइट सेट कर दी। और पेज को रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर जो भी हमारी इमेजेस थी, प्रोडक्ट्स थे, उन सभी की यहाँ पर हाइट क्या हो गई है, सेट हो चुकी है। अब सिमिलर सा कुछ टाइप में अगर इसको आप देखते हैं, इस वेबसाइट को सेम तरीके से यहाँ पर सारी चीजें जो हमारी इमेज है वो क्या हो रही है, डिस्प्ले हो करके आ रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर जो हमने ड्यू को कंटेन किया हुआ है, इन सभी को भी हमें स्टाइलिंग देना होगा। इससे पहले जो भी ये जो हमारे बटन्स हैं, यानी कि ये वाला सेक्शन है, इसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो हमारी इमेज है, इस पूरी चीज को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी इमेज है, इमेज के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन को ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को मैंने लिया, और इसके लिए मैंने स्केल जो है उसको मैंने सेट कर दिया 1.5। यहाँ पर जो स्केल है 1.5 सेट किया। स्केल कहने का क्या मतलब है, अभी के लिए उसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो कुछ भी चेंज यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें हवर प्रॉपर्टी को लेना होगा। तो हम चाहते हैं जैसे हम कार्ड के ऊपर
हावर करें तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, वो स्केल हो जाना चाहिए 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब जैसे ही हावर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्केल का इफेक्ट है वो आपको, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी इमेज, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं, इसके जो आइकन्स हैं, आइकन्स के लिए, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, हर्ट का सिंबल है, यहाँ पर शेयर बटन का है, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने इसको इमेज तक का जो भी पार्ट था उसको पेस्ट किया, यहाँ से इमेज टैग को हटाएंगे और इसकी जगह हम अपनी आइकन्स क्लास को लेने वाले हैं, जो कि ये वाली क्लास है। तो आइकन्स को मैंने यहाँ से कॉपी किया और सेम तरीके से यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया आइकन्स को। और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इसके लिए जो पोजीशन है इसको मैंने सेट कर दिया, जो भी इसकी पोजीशन होने वाली है, पोजीशन मैंने सेट कर दिया एब्सोल्यूट यहाँ से, और इसके बाद इसको मैंने सेट कर दिया एब्सोल्यूट, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अभी अगर आप देखते हैं तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा आइकन्स है, आइकन्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देने वाले हैं बॉटम से, इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पर 0। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं यहाँ पर 0। और उसके बाद हम यहाँ से राइट साइड से सेट करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी होगी उसको भी हम सेट कर देते हैं 0। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, टॉप लेफ्ट बॉटम से मैंने इसको 0 0 सेट कर दिया। ये एब्सोल्यूट है, यानी जो भी इसका पेरेंट है उस कंडीशन पे इसको 0 0 पोजिशन जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसके बाद इसको हम करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए सभी चीज़ों को। तो यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब ये क्या हो चुका है, एक सेम लाइन के अंदर सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अभी के लिए अगर आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से कार्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी कार्ड है इसके अंदर जो एंकर टैग है, क्योंकि हमने इन सभी को एक एंकर टैग के अंदर यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, तो एंकर टैग को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम लेने वाले हैं एंकर टैग को। तो इन सभी चीजों को हम सेम रखेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने एंकर टैग को। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट। आइकन्स के अंदर हम आते हैं, आइकन्स के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक हाइट सेट करना है। हाइट मैंने 5 rem के इक्वल यहाँ पर सेट कर दिया। 5 rem कहने का क्या मतलब है, 50 pixels के इक्वल। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसको यहाँ पर 50 pixels के इक्वल इसकी हाइट मिल चुकी है। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हमें एक लाइन हाइट देने वाले हैं। लाइन हाइट मैंने यहाँ से क्या दे दिया, लाइन हाइट भी हम सेम रखने वाले हैं 5 rem के इक्वल। और इसके बाद हम इसका एक फॉन्ट साइज दे देते हैं, यानी कि फॉन्ट साइज मुझे इसका इंक्रीज करना है। तो यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज किया और फॉन्ट साइज 1.8 rem के इक्वल मैंने सेट कर दिया, यानी 18 pixels के इक्वल। और इसके बाद इसको हम विड्थ देने वाले हैं, जो इसकी विड्थ होने वाली है उसको हम कर देते हैं 50% के इक्वल। और यहाँ पर आते हैं, इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं इसको पिंक सा, सेम कलर हम देंगे। और इसके बाद हम कर देते हैं जो इसका कलर है उसको हम सेट कर देंगे व्हाइट, यानी जो भी टेक्स्ट कलर है, जो भी यहाँ पर आइकन्स कलर है वो सारे क्या हो जाएंगे, हाइट यहाँ पर व्हाइट कलर हो जाएंगे। तो सेम तरीके से जो हमारा लेआउट है यहाँ पर क्या हो चुका है, डिजाइन होकर के आ चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारी बटन है ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो इस बटन के लिए भी हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सेम चीज को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस बटन के लिए हमने यहाँ पर इंडिविजुअल एक क्लास दिया हुआ था। क्लास क्या थी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बटन नेम की कार्ड बटन मैंने यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ था, इसको मैंने कॉपी किया। और यहाँ पर आते हैं, एंकर टैग की जगह मैंने इस बटन को लिया, यहाँ से डॉट लगाएंगे क्योंकि एक क्लास है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है इसके लिए हम देने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर लेफ्ट साइड से हम दे देते हैं, क्योंकि बीच बीच में लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बॉर्डर लेफ्ट साइड से मैंने क्या दे दिया, 0.1 यहाँ पर रेम के इक्वल सेट किया, यानी कि 1 pixels। और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और जो इसका कलर है वो कैसा होना चाहिए, FF7 यहाँ पर मैंने कर दिया, इस टाइप का इसका कलर सेट होना चाहिए। तो इसको मैंने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लाइनिंग आ चुकी है, राइट साइड में सेम लाइनिंग हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर हवर करते हैं तो राइट साइड में भी लाइनिंग है। तो इसके लिए भी हम सेट करने वाले हैं, जो हमारी बॉर्डर लेफ्ट है इसको हम कर देंगे बॉर्डर राइट। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, राइट साइड कर दिया।
और सारी चीजें सेम रहेंगी। और इसको मैंने सेव किया, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं राइट साइड से भी बॉर्डर क्या हो गया है, यहाँ पर ऐड होकर के आ चुका है। अब इसकी जो विड्थ है उसको हम करने वाले हैं 100%, यानी कि जो भी इसकी विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए, 100% हो जानी चाहिए। सिर्फ विड्थ को सेट करने से क्या चेंज आता है आप देख सकते हैं, यहाँ से विड्थ को मैंने 100% किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब ये पूरी की पूरी जो बटन है वो अच्छे तरीके से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको मैंने 100% कर दिया है। लेकिन ये कार्ड कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब हम इसके ऊपर हावर करें उस कंडीशन पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सिंपल सा चेंज करना होगा। जो भी हमारे आइकन्स थे इसको मैंने बॉटम से क्या सेट किया हुआ है, 0 सेट किया हुआ है। तो इसको हम करने वाले हैं यहाँ पर माइनस का 7 RAM कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये अंदर की साइड चला जाए नीचे की साइड। और इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अब हमारे जो कार्ड हैं अभी के लिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे टेक्स्ट थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें 0 सेट करने के लिए सेम चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम चाहते हैं जैसे जो हमारा कार्ड है इसके ऊपर जैसे ही हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, जो हमारी पोजीशन बॉटम से माइनस का 7 RAM है वो 0 सेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ से बॉटम से जो भी हमने पोजीशन दी थी वो क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही इसके ऊपर हम हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे सेक्शन थे, यानी कि जो हमारा आइकन वाला सेक्शन था, वो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की साइड को आ रहा है। जैसे ही हवर यहाँ से हटाएंगे उस कंडीशन से टॉप से बॉटम साइड में वो फिर से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या बचता है, इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट कलर है, बटन का यहाँ पर कलर है, ये भी चेंज हो रहा है, यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसके लिए भी हवर इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब हम अपने एंकर टैग के ऊपर हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे ये चेंज आना चाहिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एंकर टैग है इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ से क्या करें, हवर करें, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए 333, इसके इक्वल ग्रे सा कलर हो जाना चाहिए। और मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे अगर हम इसके ऊपर हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे आइकन्स हैं इन सभी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीजें हमारे पास क्या बचती हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो भी कंटेंट वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जिसके अंदर फ्लावर है और ये यहाँ पर जो भी हमारे पास प्राइस है, इसके लिए हमें डिजाइनिंग ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो हमारा कार्ड कंटेनर है और इसके अंदर भी हम जाते हैं, इसके अंदर जो हमारा कार्ड है और कार्ड के जस्ट अंदर ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कंटेंट है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया इस कंडीशन पे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या देने वाले हैं, पैडिंग देने वाले हैं चारों साइड से 2 RAM के इक्वल, ताकि थोड़ा सा क्या हो सके, स्पेस आ सके। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर क्या हो चुकी है, पैडिंग जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से स्पेस आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है उसको हम कर देते हैं सेंटर। सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए बिल्कुल कार्ड के। तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या हो चुका है, जो भी टेक्स्ट था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद जो S3 हेडिंग है और यहाँ से जो हमारा डिव है, इनके लिए हमें स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो सबसे पहले इस कंटेंट के अंदर जो हमारी S3 हेडिंग है उसके लिए स्टाइलिंग हमें ऐड करना है। तो यहाँ से आते हैं, इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर हमें डॉट को लगाना होगा क्योंकि एक क्लास है। और इस कंटेंट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास S3 हेडिंग है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज 2.5 RAM के इक्वल सेट कर दिया, यानी कि यहाँ पर 25 pixels के इक्वल अगर आप देखते हैं तो सेट कर दिया है। और इसके बाद इसको हम एक कलर सेट कर देते हैं, कलर मैंने क्या कर दिया है S333, इस टाइप का मैंने एक कलर दे दिया। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट का साइज है सेम तरीके से क्या हो गया है, इंक्रीज होकर के आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी प्राइस वाली क्लास है, यानी कि यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर जो ड्यू है इसको हमने प्राइस नेम की क्लास दी हुई है, इसको हम लेते हैं। अब इसके लिए स्टाइलिंग हमें देना होगा तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ से प्रोडक्ट्स और इसके अंदर कार्ड कंटेनर और इसके अंदर जो हमारा कार्ड है और इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है
और इसके अंदर जो हमारा प्राइस नेम की क्लास है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो इसका फॉन्ट का साइज है उसको हम सेट करने वाले हैं। फॉन्ट का साइज 2rem के इक्वल मैंने यहाँ से सेट कर दिया। और इसके बाद जो इसका कलर है, कलर हम यहाँ पर पिंक सा सेट करने वाले हैं, तो सेम कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे पिंक। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जिसका फॉन्ट वेट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट वेट मैंने इसके लिए सेट कर दिया बोल्डर यहाँ से, यानी कि ये मोटा सा दिखेगा। और इसके बाद इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप साइड से, ताकि स्पेस आ सके जो हमारी हेडिंग है और जो भी हमारा यहाँ पर डिव है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से मैंने इसके लिए पैडिंग ना दे करके यहाँ पर हम देने वाले हैं, पैडिंग ही ऐड करना होगा मुझे। पैडिंग टॉप साइड से मैंने क्या दे दिया, 1rem के इक्वल मैंने पैडिंग ऐड कर दिया। और सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला टेक्स्ट है, यानी कि ये वाली प्राइस है और ये वाली प्राइस है, दोनों में यहाँ पर चेंज है। तो ये वाली प्राइस तो हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर सेट करना होगा, इसीलिए हमने इसको एक स्पैन टैग के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस सेम चीज को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा स्पैन टैग है इस प्राइस क्लास के अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पैन टैग को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सबसे पहले जो इसका फॉन्ट का साइज है उसे हमें यहाँ पर कम करके रखना होगा, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम होना चाहिए, 1.5rem के इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर इसका जो कलर है वो भी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ से हैश 999 के इक्वल इसका कलर होना चाहिए। और इसका जो फॉन्ट का यहाँ पर वेट है उसको हम रखने वाले हैं लाइट सा, तो इसके लिए हम सेट कर देंगे लाइटर। और इसको मैंने सेव किया, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सारी चीजें क्या हो गई हैं, ऐड हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ से 20 से होकर के जा रही है, इसको हम लाइन थ्रो बोलते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है अगर उसकी जगह हम लाइन थ्रो सेट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक 20 से लाइन आ जाएगी। तो इसको हम करने वाले हैं, यहाँ से हम यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को, और इसको मैंने सेट कर दिया लाइन थ्रो और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 20 से एक लाइन जो है यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लाइनिंग क्या हो चुकी है, आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन था, यानी जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन था, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है। अब ये हमारा क्या हो गया, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन। इसके बाद हम डिजाइन करने वाले हैं अपने रिव्यू वाले सेक्शन को। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इसके बाद रिव्यू वाला जो हमारा सेक्शन है इसको हमें डिजाइन करना है। अब ये जो हमारे कार्ड हैं ये पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसके ऊपर इंस्पेक्ट करके इसकी जो विड्थ है उसको हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। ऑटोमेटिकली ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि जो भी चीजें हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट की हुई है वो रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हुए हमने क्या किया हुआ है, एड किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा रिव्यू वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम किस प्रकार से डिजाइन करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टेक्ट सेक्शन को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी वेबसाइट है फ्लावर की, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन करके क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।